गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक है एम्ब्रियो, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एम्ब्रियो का प्राइमरी डेवलपमेंट किस तरह से होता है एंड एक डाइकॉट के एम्ब्रियो का क्या स्ट्रक्चर होता है। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि एज ए मोनोकॉट के एम्ब्रियो का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि डाइकॉट के एम्ब्रियो तक आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार पूरे टॉपिक का आपको रिवीजन करवा देना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ भूल गए होगे तो वो फिर से आपके माइंड में एक बार और रिकॉल हो जाए। एम्ब्रियो को हम हिंदी में बोलते हैं भ्रूण, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, एट द माइक्रोपाइलर। मतलब जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है एम्ब्रियो सैक का, वहीं से क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता कैसे है, जो मेल गैमिट होता है वो एक सेल के साथ आके फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही फिर डिवाइड होता है, और आफ्टर डिविज़न एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट जो जाइगोट होते हैं वो क्या करते हैं, वो तब डिवाइड करना शुरू करते हैं जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद जाइगोट जो होते हैं वो डिवाइड करना शुरू करते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दिस इज़ एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्यों, क्या हो सके, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो सके। प्रारंभिक जो अवस्था होती है, जो एम्ब्रियोजेनी होती है, वो सिमिलर होता है मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में, ठीक। लेकिन अगर हम देखते हैं लेटर स्टेज में, तो जो हमको एम्ब्रियो एक्चुअल में बन के मिलता है, जिसको आप बोलते हो मैच्योर एम्ब्रियो, वो क्या होता है, मोनोकॉट का दिखने में अलग होता है। देखो, ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो, और ये डाइकॉट का मैच्योर एम्ब्रियो है। लेकिन अर्ली जो डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं वो सेम होते हैं। जो जाइगोट होता है, जब वो एज ए अर्ली अपने डेवलपमेंट में होता है, तो द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सबसिक्वेंशली टू द ग्लोब्यूलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। जाइगोट जब डिवाइड करता है तो आफ्टर डिविज़न वो कुछ प्रो एम्ब्रियो बनाता है। उन प्रो एम्ब्रियो को पहले हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर बनता है मैच्योर एम्ब्रियो। यहाँ पे अगर मैं उसका आपको डिविज़न दिखाना चाहूँ तो देखो, ये क्या, किस चीज़ का फिगर है, ये एम्ब्रियो सैक का फिगर है। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो सिनर्जिट होते हैं वो डिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, अब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। एंटीपोडल सेल क्या होते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं। जब अच्छा खासा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये जो जाइगोट है, अब सिर्फ इसका डिवीज़न यहाँ पे दिखाया गया है कि जो जाइगोट है ये पहले टू अनइक्वल डिवीज़न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो अनइक्वल सेल्स कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक बड़ी सेल होती है जिसको कि हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल, और एक स्मॉल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। जो सस्पेंसर सेल होती है बड़ी वाली, उसमें बहुत सारे लगभग 6 से 10 ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं। ये देखो, बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीज़न का मैंने बताया था, इस तरह से जो डिवीज़न होता है उसको हम ट्रांसवर डिवीज़न बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे ऊपर जो इसका सेल होता है उसको बोलते हैं वेसाइकल सेल, क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ी वेसल मतलब वृत्तिका होती है। सबसे नीचे की जो सेल होती है सस्पेंसर सेल की, उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस, जो कि बिल्कुल एम्ब्रियो से लगी हुई रहती है, ठीक है। और जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें 2 वर्टिकल डिवीज़न होता है, एंड एक क्या होता है, एक ट्रांसवर्स डिवीज़न टेक प्लेस करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। अब आगे चल के यही जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होगा वो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा। इसके ऊपर चूँकि हाइपोफाइसिस है, हाइपोफाइसिस क्या बनाता है, रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स ये इतना जो पोर्शन होगा ये किस चीज़ का डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होगा, ये रेडिकल सिस्टम अर्थात जड़ तंत्र के विकास के लिए उत्तरदायी होगा। और नीचे आपको 2 कॉटिलीडन्स दिख रहे हैं, तो ये जो 2 कॉटिलीडन्स हैं,
दैट मीन्स ये अब ऊपर की तरफ उठेंगे और क्या बनाएंगे, इनसे क्या बनेगा, इससे आपका प्लीम्यूल दैट मीन्स जो स्तंभ होता है, जो तना होता है, उसका विकास इससे प्रारंभ होगा। तो ये तो बात हो गई ऐसे प्राइमरी डेवलपमेंट की। अब जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है तो एक मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आते हैं, तो ए टिपिकल डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स। जो डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो होता है उसके पास क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। इसको मैंने बोला था ये एक, अगर आप बिल्कुल एक सीधी लाइन इस तरह से खींचोगे तो इसको बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। और दूसरा क्या होता है, एंड टू उसके पास कॉटिलेडन्स होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज द एपिकॉटिल विच टर्मिनेट with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyl that terminates at its lower end in the radical or root tip. The root tip is covered with root cap. मतलब क्या है कि जो डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और ये क्या होते हैं, दो कॉटिलेडन्स होते हैं। लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स कोई भी आप यहाँ से एक अनुमानित, अगर हम इस तरह से एक लाइन खींचते हैं तो इस लाइन मतलब इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, लेवल ऑफ कॉटिलेडन है। तो लेवल ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर का पूरा भाग ये क्या कहलाता है, एपिकॉटिल कहलाता है। और लेवल ऑफ कॉटिलेडन के नीचे का पूरा भाग क्या कहलाता है, हाइपोकॉटिल कहलाता है। जो एपिकॉटिल होता है वो किस चीज़ का विकास करेगा, प्लीम्यूल का विकास करेगा, दैट मीन्स तने का विकास करेगा, पत्ती का विकास करेगा। और जो हाइपोकॉटिल का रीज़न होता है वो जड़ का विकास करेगा, और जड़ के सबसे आखिरी छोर पे क्या उपस्थित होता है, रूट कैप उपस्थित होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ना मूलगोप, ठीक है। तो ये एक फिगर है डाइकॉट एम्ब्रियो का जो कि बहुत ही सिंपल सा है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है उसका फिगर कैसा है। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो का जो फिगर होता है वो भी बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। एम्ब्रियोस ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स पॉजेस ओनली वन कॉटिलेडन, मतलब जो मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं उनके पास क्या होता है, केवल एक कॉटिलेडन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा रहता है, मोनोकॉटिलेडन। इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम दैट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड लैटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। सबसे पहले मैं इसका पूरा फिगर आपको समझा देती हूँ जिससे कि जो थ्योरी है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये किस चीज़ का फिगर है, ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम है, फिगर है। इसमें क्या होता है, केवल एक कॉटिलेडन मौजूद होता है। इन द ग्रास फैमिली उसको स्क्यूटेलम बोलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार, जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है उसमें केवल एक कॉटिलेडन ही मौजूद होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो। और उसमें जो कॉटिलेडन होता है वो एम्ब्रियो के बिल्कुल एक साइड लैटरल साइड में स्थित होता है। और इन द ग्रास मतलब ग्रासेस की फैमिली में इस कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं अब, एपिब्लास्ट। चूँकि जो एम्ब्रियो है, अगर हम देखेंगे प्राइमरी डेवलपमेंट, तो प्राइमरी डेवलपमेंट मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो दोनों का लगभग सिमिलर होता है। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है कि जो दूसरा कॉटिलेडन होता है वो बनते बनते रह जाता है और एक अवशेषी अंग के रूप में मोनोकॉट एम्ब्रियो के साथ जुड़ा रहता है। चूँकि ये इस तरह से पूरा विकसित नहीं हो पाता, छोटे से एक अंश के रूप में, बहुत छोटी सी एक वृद्धि इसकी होती है, उसके बाद इसकी वृद्धि रुक जाती है क्योंकि ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है। तो इसको हम बोलते हैं एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट क्या है, दूसरे कॉटिलेडन का एक अवशेष है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से विकास नहीं कर पाया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, सिमिलर होता है। तो सिमिलरली कॉटिलेडन्स का विकास होना प्रारंभ तो होता है, लेकिन चूँकि ये मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा विकास होने के बाद ही, थोड़ा सा अगर बिल्कुल बस अभी शुरू ही हुआ होता है कि इसका विकास, दूसरे कॉटिलेडन का विकास होना रुक जाता है और वो एक अवशेष के रूप में विद्यमान रह जाता है, जिसको कि एपिब्लास्ट नाम दिया जाता है।
अब अगर हम जिस तरह से हमने डाइकॉट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस को खींचा था, इसमें भी अगर हम एक एम्ब्रियोनल एक्सिस को इस तरह से खींचते हैं तो इसको हम बोलेंगे बिल्कुल इस तरह से जो रेखा जाएगी उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और अगर हम एक लेवल ऑफ कॉटिलीडन खींचते हैं, ये मान लो लेवल ऑफ कॉटिलीडन है, तो लेवल ऑफ कॉटिलीडन के ऊपर का जितना भी सारा भाग रहेगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, इपिकॉटिल। इपिकॉटिल क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, तने और पत्ती का विकास करेगा। और लेवल ऑफ कॉटिलीडन के नीचे जितना भी भाग रहेगा उसको हम बोलेंगे हाइपोकॉटिल। अब यहाँ पे क्या होता है, लेवल ऑफ कॉटिलीडन के ऊपर यहाँ पे देखो शूट एपेक्स है। शूट एपेक्स का मतलब क्या होता है कि शूट का मतलब होता है तना और एपेक्स का मतलब होता है बिल्कुल शीर्षाग्र, मतलब बिल्कुल शीर्ष का जो पोर्शन होता है उसको हम एपेक्स बोलते हैं। तो ये क्या होगा, इससे आपका तने का विकास होना प्रारंभ होगा और इसके ऊपर एक आवरण उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे प्रांकुड़चोल और इंग्लिश में उसको बोलते हैं सिलोप्टाइल। तो सिलोप्टाइल एक आवरण होता है, एक परत होती है जो कि शूट एपेक्स के ऊपर स्थित होती है। ये पूरा भाग आपका इपिकॉटल कहलाएगा क्योंकि ये तने के विकास के लिए उत्तरदायी होगा, तने और पत्ती दोनों के विकास के लिए। नीचे का जो भाग होगा वह हाइपोकॉटल, मतलब लेवल ऑफ कॉटिलीडन के नीचे का जो भाग होगा वो हाइपोकॉटल कहलाएगा। और इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो आपका रेडिकल अर्थात जड़ विकसित करेगा। ये वाला जो पार्ट होगा वो रूट कैप बनाएगा और रूट कैप के बाहर जो आवरण ऊपर, जैसे कि शूट एपेक्स के ऊपर जो स्थित होता है उसको सिलोप्टाइल बोलते हैं, उसी तरह से रूट कैप के बाहर जो आवरण उपस्थित होता है उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोलियोराइजा किसके चारों ओर मौजूद होता है, मतलब कोलियोराइजा हाइपोकॉटल रीजन में स्थित होता है कि इपिकॉटल में, और सिलोप्टाइल किस रीजन में स्थित होता है, हाइपोकॉटल में कि इपिकॉटल में। तो एक ट्रिक है उसको याद रखने का, देखो कोलियोराइजा में आर आ रहा है अर्थात आर फॉर क्या होता है, रूट होता है। तो अर्थात ये रूट सिस्टम के चारों ओर एक आवरण बनाता है कोलियोराइजा, और सिलोप्टाइल में कहीं भी आर नहीं है तो आपको इसे याद रहेगा, या इसमें पी है तो आप याद रख सकते हो कि ये प्लिम्यूल अर्थात ये तने के चारों ओर एक आवरण के रूप में उपस्थित होता है। तो ये तो एज अ डायग्राम का डिस्क्रिप्शन था कि जो स्क्यूटेलम होता है वो कॉटिलीडन्स ही है, जिसको ग्रास की फैमिली में कॉटिलीडन्स को स्क्यूटेलम बोला जाता है। सिलोप्टाइल क्या होता है, जो शूट एपेक्स होता है उसके चारों ओर एक आवरण उपस्थित होता है उसको सिलोप्टाइल बोलते हैं। लेवल ऑफ कॉटिलीडन के ऊपर का जितना भी भाग होगा उसको हम बोलेंगे इपिकॉटल, और लेवल ऑफ कॉटिलीडन के नीचे जितना भी भाग होगा उसको बोलेंगे हाइपोकॉटल। हाइपोकॉटल में रेडिकल होता है, रेडिकल के चारों रूट कैप पाया जाता है और रूट कैप को जो कवर करने वाला सेल्स होता है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। इपिब्लास्ट क्या होता है, ये कॉटिलीडन का एक अवशेषी भाग है जो कि विकसित नहीं हो पाया है। तो एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉटिलीडन्स पॉजेस ओनली वन कॉटिलीडन इन ग्रास फैमिली द कॉटिलीडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड लैटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझ में आया, एट इट्स लोअर एंड, मतलब इसके निचले सिरे पर द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज़ द रेडिकल एंड रूट कैप, मतलब जो एम्ब्रियो का जो बिल्कुल निचला सिरा होता है उसमें रेडिकल और रूट कैप स्थित होता है जो कि इनक्लोज्ड इन एन अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा, जो कि एक बिल्कुल एक शीथ मतलब एक आवरण होता है इसके चारों जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज इपिकॉटल, जो लेवल ऑफ कॉटिलीडन के ऊपर का जितना भी भाग होता है उसको हम बोलते हैं इपिकॉटल। इपिकॉटल हैज़ ए शूट एपेक्स एंड लीफ एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया इनक्लोज्ड इन ए होलो फॉलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलोप्टाइल। जो शूट एपेक्स होता है और लीफ प्राइमोर्डिया होता है वो इनक्लोज होता है, बंद रहता है किसमें, एक होलो फॉलियर स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं सिलोप्टाइल। तो ये था मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में पूरा फुल डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। केवल एक या दो दिन में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि केवल दो टॉपिक्स ही अब रह गए हैं सीट, और एक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही ये जो सेकंड चैप्टर है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पे अपनी पढ़ाई को जारी रखो। और बीच में मैंने एक दिन वीडियो आपको नहीं दिया था, वो इस कारण से नहीं दिया था क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप इसमें व्यूज़ काफ़ी कम है, तो जब व्यूज़ बढ़े तो फिर मैं मतलब मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ना। वैसे इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डेली वीडियोज़ को देखते हैं और जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसको रिप्लाई भी करते हैं। एक चीज़ मुझे आपको ये बोलना था कि आज जो मैं क्वेश्चन पूछूँगी और इससे आगे भी, तो जब भी आप आंसर दो तो आंसर के साथ आप अपना नाम भी लिखो। इससे मुझे ये पता चलेगा कि इसमें मतलब कितने बच्चे एक्टिव है, क्योंकि आप आंसर तो दे देते हो लेकिन मुझे सारे बच्चों का नाम नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में किसने ये आंसर को लिख के भेजा हुआ है। तो आज से आप जो भी अपना आंसर दोगे उसके साथ आप अपना नाम भी लिख के भेजना, ताकि जो आपका नाम है वो मेरे माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो जाए और जब भी हम मिले तो मैं मतलब मुझे मेरी मतलब मेरी नज़र में हो कि कितने सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, इमैस्कुलेशन टेक्निक क्या होती है और इमैस्कुलेशन टेक्निक का यूज़ क्यों किया जाता है। तो आप इसको एज ए टाइप करके अपनी कॉपी में लिख के इसका आंसर आप दे सकते हो कि इमैस्कुलेशन टेक्निक क्या है। ठीक, तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।